आसिफ शेख की सब जद्दोजहद का नतीजा है और दमदार नुमाइंदगी का के कारण ये काम हो। मैं तो बोलता हूँ अगर कोई हमारा मुखालिफ होगा उसका काम नहीं होता होगा, उसका काम नहीं होता होगा, वो भी अगर आएगा हमारे पास, चाहे वो यूसुफ इलियास हो, मैं समझता हूँ आमदार साहब की भी साइकिल होगी कभी आज के आमदार की, तो हम उनका भी काम करने के लिए तैयार है क्योंकि ये रोजगार का विषय है। आप महापुर की पत्रकार परिषद के जब तशरीफ लाए इसके लिए आपका सभी का शुक्रिया भी अदा किया जाए। आज महापुर साहिबा ने जो पत्रकार परिषद बुलाए उसके अंदर दो तीन विषय है, दो चार दिन से साजिद के विषय के ऊपर बहुत चर्चा चल रही है। अब मैं सुना कॉर्पोरेशन के अंदर भी उपायुक्तों के पास पॉलिटिकल लोग आए, राजकीय लोग आए और उन्होंने भी वहां आमदार साहब ने तो शायद ऐसा बोला कि जो लोग मेरे खिलाफ थे उनकी साइकिल को काम नहीं हुआ और जो कांग्रेस के साथ थे उनका काम हो गया। पहली बात तो मेरा ऐसा बोलना है कि मेरा और तेरा साइजी का जो मामला है या कारखानों का मामला है या प्लास्टिक कारखानों का है, शहर का उद्योग से जो मामला होता है वो तेरा मेरा नहीं रहना चाहिए, ये हम सब का विषय है, ये मालेगांव शहर की सनत का विषय है और मालेगांव की सनत साइजिंग अगर नहीं चलेगी तो पावर रूम नहीं चलेगा। ये जिसको हम बोलते हैं चोली दामन का साथ, जब तक साइजिंग नहीं चलेगी तो पावर रूम नहीं चलेगा। पिछले दिन आपको याद होगा कि इच्छल करंजी की साइजिंग बंद थी और मालेगांव से वो लोग आकर के बीमे बना करके ले जा रहे हैं और हम खास तौर से महापुर बोलो, माजी आमदार आसिफ भाई बोलो, मैं खुद हम कभी साइजिंग और कारखानों के खिलाफ नहीं रहे, भले उसके ऊपर लोगों ने राजकरण किया होगा। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे 10 साल के अंदर अगर पावरलूम का अगर सबसे बड़ा मसला अगर हल हुआ है तो 56 करोड़ रुपया बिजली का बिल यही बुनकरों का शेख रशीद के टाइम में, हिलासोजी की सरकार के टाइम में माफ हुआ था, वहीं से संजीवनी योजना शुरू है, वहीं से सब्सिडी आपका शुरू है। तो हम कैसे मुखालिफ हो सकते हैं साइजिंग और कारखानों? आज अगर 15 साइजिंग का भी अगर मसला हल हुआ है, 2016 का एक तो जो कानून जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर लागू हुआ है, एमआरटी एक्ट के तहत वो जो उसके अंदर बैठेगा, 15 साइजिंग वाले उसके अंदर बैठे, उद्योग क्षेत्र में बैठे और कंफर्मेशन जोन के अंदर बैठे, जब जाकर के 15 लोग का भी मसला हल हुआ और वो भी खाली कारपोरेशन में ठहरा होकर के मसला यही खत्म हो गया था ऐसा भी नहीं है। वो बाकायदा नासिक पुणे मुंबई के अंदर माजी आमदार आसिफ भाई दौड़े, मेहनत किए और जब जाकर के उसका मसला हल हुआ और आज जाकर के वो उनका मसला क्लियर हुआ। अब जो बची हुई 46 या 64 साइजिंग है, अभी यहां मैं देखा महापुर कार्यालय के अंदर कोई लोग के एप्लीकेशन आए, ये इतना भय घबराहट का विषय नहीं है कि चलो एप्लीकेशन आप लोगों ने दे दिया और महासभा निकल गई, महासभा के अंदर विषय ले लिए और मंजूर हो गया, ऐसा नहीं हुआ। बाकायदा उसके अंदर जो लोग उद्योग क्षेत्र में बैठेंगे, जो लोग कंफर्मेशन जोन के अंदर बैठेंगे,
जो 2016 का कानून जो आया है एमआरटी के हिसाब से, जो उसके अंदर बैठेंगे उसी क्यों वही तो उसके अंदर आगे भी उनका ही मंजूरी होकर के आगे काम बढ़ सकता है। जरा साइजिंग मालिकों से मेरी गुजारिश है और बाकी पॉलिटिकल लोगों से भी गुजारिश है कि इसके अंदर राजकरण ना करें। ये शहर का विषय है, उद्योग का विषय है, हमारे रोजगार का विषय है, उसको पॉलिटिकल रास्ते पे ना ले जाते हुए। मैं तो बोलता हूँ अगर कोई हमारा मुखालिफ होगा उसका काम नहीं होता होगा, उसका काम नहीं होता होगा, वो भी अगर आएगा हमारे पास, चाहे वो यूसुफ इलियास हो, मैं समझता हूँ आमदार साहब की भी साइकिल हुई कभी आज के आमदार की, तो हम उनका भी काम करने के लिए तैयार है क्योंकि ये रोजगार का विषय है ना। लेकिन यही लोग अगर राजकरण करते रहेंगे तो ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि रोजगार का मालेगांव शहर की रीढ़ की हड्डी का विषय है। और इनके एप्लीकेशन जितने भी आए इसको कम से कम 15 से 20 दिन छाननी के लिए लगेंगे, नगर रचना में बाकायदा छाननी होगी, और जब उसको पूरे क्लियर अगर उसके कागज पत्र हो गए तो फिर उसको महासभा के अंदर हम लोग लेकर के और फिर उसको मंजूरी दे करके फिर अगला प्रोसीजर उसका फिर नासिक पुणे और मुंबई तक चलेगा और उनका काम करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार है। हम ना पहले कभी कारखाने और साइजिंग के मुखालिफ थे ना आज है। अगर ये आफत आई भी तो कोई और लोग इसके खिलाफ गए थे और उन्होंने कंप्लेन वगैरह किए तो ये आफत ही इनके ऊपर आई, चाहे वो प्लास्टिक कारखाने के ऊपर बोले चाहे साइजिंग के ऊपर बोले। देखिए 4 दिन पहले से जो मामला उठा उपायुक्त साहब के पास में, उपायुक्त साहब ने मुझे बताया और हम पॉजिटिव है इसके अंदर, बिल्कुल हम इसके खिलाफ आई नहीं, तो पहले थे ना आज है, आज भी फेवर में है, कल भी फेवर में थे। और हम ये क्योंकि हमारे शहर का विषय हमारे लोग है, हम राजकरण नहीं कर रहे, ये हमारा शहर है, हमारे लोग है, इसके लिए हम चाहते हैं कि ये काम आगे बढ़े और हम ये करने के लिए पूरी तरह से सक्षम भी है। आमदार हो जाना और काम हो जाता ऐसा नहीं रहता, अनुभव की बहुत जरूरत है और मालूम की जरूरत होती है, पीए अनुभव ही रखना पड़ता, या तो पीए भी शायद अनुभव ही नहीं है उनके पास में, तजुर्बेकार नहीं है, इनको खुद तजुर्बा नहीं है, ये कहाँ पत्र देते कहाँ लेटर देते, अधिवेशन चलते रहता है, हाउस चलते रहता है, हाउस में दिखाई नहीं देते और फिर ये बोलते रहते मैंने फला लेटर दे दिया हूं, मैंने सेक्रेटरी को पत्र दे दिया हूं, जैसे रास्ते का विषय चल रहा है। मेरे अपने महापुर के वक्तों के अंदर बाकायदा हम लोगों ने 12 कोटी की मंजूरी आगर रोड की दी थी, गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजा था दोनों साइड की नाले का और रास्ते का, लेकिन किसी वजह से वो मंजूर नहीं हो पाया और वही प्रपोजल चल रहा है। उसके बाद में फिर हमने और ठहराव करके भेजा, लेकिन गवर्नमेंट की हालत आज ठीक नहीं है। अब जैसे मैं देख रहा हूँ रोजाना पेपर में कोई ना कोई देते रहते इनका साथी कि बहुत जल्दी मंजूरी आ जाएगी, बहुत जल्दी वो रास्ता बच जाएगा, हम वो रद्द करने वाले हैं जो ठहराव किए थे पीछे आने वाली महासभा के अंदर, वो ठहराव रद्द करके बाकायदा अब वो प्रपोजल हम दूसरी तरफ कहीं लेके जाएंगे शहर में, बहुत सारी जगह ऐसे काम करने की है ना, वहां पे करेंगे वो काम। और आज जो काम शुरू आज जैसे आज स्थायी समिति के अंदर बजट वर्गों का विषय है, वही आगर रोड के 9 करोड़ का काम है आगर रोड का, वो कारपोरेशन फंड से होने वाला है और 4 करोड़ की गडर है आगर रोड की आजूबाजू। आज मैं इसलिए दोहरा रहा, पिछले पत्रकार परिषद ने बोल दिया था ये आज दोहराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये झूठ बोलने की इनकी आदत है, मैंने वहां लेटर दे दिया, मैंने सेक्रेटरी को लेटर दे दिया है ना, और ये काम मैं करवा दे रहा, इनकी झूठ बोलने की खराब आदत है, इसलिए वापिस इसको मैं दोहरा रहा हूं। आज जैसा स्थायी समिति के अंदर बजट वर्ग है, वैसी कल महासभा के अंदर यही विषय बजट वर्ग का है और ये बाकायदा आगर रोड का काम
कॉर्पोरेशन के जनरल फंड से होने वाला है, गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई फंड नहीं रहने वाला है, चाहे दोनों नालों का बोलो चाहे पूरे रास्ते का बोलो। और क्योंकि हमारे शहर की आगर बोले तो नाक है, हमको भी अब शर्म आने लगी क्या कि हमको पैसा गवर्नमेंट से नहीं मिलने की वजह से इतना रास्ता खराब है कि हमारे हम वतन साथी जो केम समक्ष के अभी से जाना पसंद नहीं करते। 9 करोड़ का रास्ते कान है वो, जहाँ से ब्रिज उतरेगा है ना, सभा मॉडल के आगे थे वहां से तो देवी के मल्ले के आगे तक का वो सीमेंट कॉन्क्रीट रहेगा, वो भी जिस तरीके से ये ब्रिज वाला जो बना रहा है इस तरीके से वो रास्ते काम रहेगा क्या, वो टोटल वही प्लान रहेगा। और दो बड़े नाले है RCC, तो कहने का मतलब जो है इसी तरीके से दो करोड़ की वो अपने पवारवाड़ी का देखते नाला बहुत खराब हो गया है, उसके ऊपर भी मेरी नजर थी तो वो भी 2 करोड़ के हमने बड़े नाले रखे RCC, ऐसे ही ये 4 करोड़ के नाले है, और फिर 1 करोड़ जो है वो 1.5 करोड़ का जो शिव रोड है अपना दयाने का 5 पंजतन चौक से वो 1.5 करोड़ को भी सीमेंट कॉन्क्रीट का है। मैं इसलिए वाजे कर दे रहा कि कॉर्पोरेशन फंड से होने वाले काम है, ये कोई गवर्नमेंट का फंड नहीं है इसमें, और गवर्नमेंट की वैसे भी आज हालत नहीं है, दे नहीं सकती गवर्नमेंट, आज पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं है, है ना, कॉर्पोरेशन के हम एडजस्ट करके बराबर कर रहे हैं। हम कुछ काम पक्के एरियो के जो हमने फंड को रोका जो नगर सेवकों की पवारवाड़ी वाला जो बड़ी मालिका है स्कूल है ना, वहाँ 1 करोड़ का नाला एक है, 1 करोड़ का नाला दो नाले, और ये 12 करोड़ का डेढ़ कोटी का जो सीमेंट रोड है वो 5 पंजतन चौक से उसी रोड है सूरज साइन तक जाएगा, ये वाजे करना जरूरी था। और मैंने साइजिंग का आप लोग को बताया कि उसकी छाननी होगी, छाननी होने के बाद में उसके पेपर जो क्लियर रहेंगे, जितने भी लोग आएंगे कायदे में बैठेंगे उतने लोग, और लोगों से मेरी अपील है साइजिंग मालकान से कि अपने पेपर आप क्लियर कर लिए, यहाँ दाखिल करने से पहले पेपर क्लियर करके ही आप दाखिल करिए, नहीं तो फिर उसके अंदर बाद में राजकारण होगा। इसके लिए मैं आप लोगों को भी आग्रह करना चाहता हूँ साइजिंग का साइजिंगदार भाइयों से गुजारिश है मेरी कि आपके पेपर कायदेसी करके ही दाखिल करिए आप नगर रचना में, और विषय हम ले गए, थोड़ा वक्त तो जाएगा, इतना गए घबराहट का काम है नहीं है, नेक काम है, अच्छा काम है, हम भी उससे जुड़े हुए हैं, ये शहर का हर नागरिक पावर लूम से कारखाने से और साइजिंग से जुड़ा हुआ है, साइजिंग चलेंगी तो लूम चलेंगे, लूम चलेगा तो होटल चलेगी तो पान दुकान चलेगा, खनवल चलेगी, सब कुछ चलेगा, क्योंकि हमारी बुरीड की हड्डी है शहर की, हमारी जान है, हम उसमें कभी राजकरण नहीं करेंगे।